हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर एक बेहद ही बड़ा फैसला किया है। बता दें कि भारतीय टीम अगस्त 2023 में जाने वाली है वेस्ट इंडीज दौरे पर। बता दें कि जहां पर T20 वनडे और टेस्ट मुकाबले खेले जाने वाले हैं। बता दें कि यह जो सभी सीरीज है बेहद ही अहम है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में कई बड़े खिलाड़ी वापस शामिल होने वाले हैं, जिनमें आंध्र रसेन हो या फिर सुनील नारायण हो। या दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा वजह है वह है उनका हेड कोच। जो यहाँ दोस्तों बता दें कि वेस्ट इंडीज का भी हेड कोच नया डेरेन सेमी बने हैं और यह बात कह चुके हैं कि वह पुराने सुपरस्टार खिलाड़ी को वापस अपने टीम में देखना चाहते हैं। ऐसे में जब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला होने वाला है तो उसमें वेस्ट इंडीज के सुपरस्टार खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। तो बता दें कि 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे और 3 वनडे मुकाबला भी होने वाला है। इसके अलावा 2 टेस्ट मुकाबले होने वाले हैं। बता दें कि अब पूरा अगस्त में चलने वाला है यह कार्यक्रम। बात करें जो T20 मुकाबले है वह 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में खेला जाएगा। वही वनडे मुकाबले है वह जो कि 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में खेला जाएगा, और टेस्ट मुकाबले जो कि 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में खेला जाएगा। तो बता दें कि T20 मुकाबले जो कि भारतीय समय अनुसार रात के 9 या 9:30 बजे से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि भारत और वेस्ट इंडीज का जो टाइम डिफरेंस है बेहद ही ज्यादा है। इसके अलावा वनडे मुकाबले 8:30 बजे से शुरू हो सकते हैं भारत और वेस्ट इंडीज का। वहीं बात करें हम टेस्ट मुकाबले का, तो बता दें कि टेस्ट मुकाबले भी 8:30 बजे भारतीय समय शुरू होने वाला है। तो बता दें कि यह मुकाबला आप कहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें भारत में, अगर आप फैन कोड यूज करते हैं ऐप, तो उस पर फैन कोड पर लाइव मैच टेलीकास्ट होने वाला है। इसके अलावा आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी यह सभी मुकाबले देख सकते हैं। वहीं बता दें कि सोनी पर भी यह सभी मुकाबले आने वाले हैं। तो बता दें कि T20 कप्तान भारत के जो कि हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं, वहीं वनडे और टेस्ट के कप्तान रोहित शर्मा रहने वाले हैं। वहीं T20 में कई नए खिलाड़ी को मौका दिया जाने वाला है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम है यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का है। या दोस्तों, यह ऐसे खिलाड़ी जिन्हें कंटिन्यू मौका मिलने वाला है T20 में। अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इनका जगह T20 में भी पक्का हो जाएगा। और वेस्ट इंडीज जो कि एक T20 टीम बेहद ही मजबूत मानी जाती है, अगर उनके पुराने सुपरस्टार खिलाड़ी लौट आए तो, ऐसे में अगर लौटते हैं तो वेस्ट इंडीज की टीम बेहद ही मजबूत होगी। तो ऐसे में भारतीय युवा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, स्पेशली T20 मुकाबले में, यह देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज को पटकने दे पाएगा भारत के युवा खिलाड़ी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।